कुकिंग विद एके को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज बनाने जा रहे हैं हम मिक्स सब्ज़ी। मिक्स सब्ज़ी के लिए हमें चाहिए एक फूल गोभी दरमियाने साइज़ की, दो अदद आलू दरमियाने साइज़ के, एक गाजर, एक कप मटर, दो टमाटर, एक प्याज, नमक एक चम्मच, एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, एक चम्मच ज़ीरा, एक चम्मच चाट मसाला, एक चम्मच गरम मसाला, आधी चम्मच अजवाइन। सबसे पहले हम मटर को बॉईल कर लेंगे। इसके बाद एक पैन में मैंने ऑयल डाला है 2 टेबल स्पून। इस ऑयल में हम प्याज डाल देंगे। प्याज को इतना फ्राई करना है कि ये लाइट ब्राउन सा हो जाए। जब तक हमारा प्याज नरम होता है, मैं एक और पैन लिया है, उसमें मैंने ऑयल डाल दिया और उसमें जो मैंने आलू काटे थे ये मैं डाल दूंगी और इसको अच्छी तरह से मैं इसमें फ्राई करूंगी। मिक्स वेजिटेबल में आलू आप फ्राई कर डालें तो उसका और ही अपना मज़ा होता है, इसकी शेप ही बरकरार रहती है, टूटते नहीं हैं। इसको तब तक मैं फ्राई करूंगी जब तक ये लाइट ब्राउन ना हो जाए। आलू भी फ्राई हो रहे हैं। प्याज जब हाफ फ्राई हो जाए तो इसमें हम लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देंगे 2 चम्मच और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फुल हल्की आंच पे रखें कि प्याज जल ना पाए। प्याज हमारा नरम हो चुका है, इसमें हम सारे मसाले डाल देंगे और इनको अच्छी तरीके से अभी हम मिक्स कर लेंगे। ये बिल्कुल हल्की आंच पे बनाना है। अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लें। इसमें अभी हम टमाटर भी मिक्स कर लेंगे जो हमने 2 काटे थे। इसको अच्छी तरीके से पकाएंगे। मसाला आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे जो आलू हैं वो भी फ्राई हो रहे हैं। टमाटर और प्याज की प्योरी में हम हल्का सा पानी डाल देंगे और दम पे पकाने के लिए कुछ टाइम रख देंगे ताकि इसके टमाटर जो है नरम हो जाए। मसाला हमारा अच्छी तरह से भून चुका है। अब इसमें हम कटी हुई गोभी डाल देंगे, साथ ही गाजर भी डाल देंगे। इन दोनों को मसाले के साथ मिक्स कर देंगे। इसको ढक्कन रख कर हल्की आंच पर 20 मिनट तक पकाएंगे हम। 20 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको चेक करेंगे। और गाजर और गोभी अच्छी तरह से गल चुकी है। अब इसमें जो हमने बॉईल किए थे मटर वो डाल देंगे और साथ ही जो आलू थे वो भी डाल देंगे और मज़ीद इसको मिक्स कर मज़ीद 2 से 3 मिनट तक दम पे रख देंगे। दो से तीन मिनट तक हमने दम पे रखा था। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, हमारी मिक्स वेजिटेबल तैयार है। अब हम इसको हम सर्व करेंगे नान और चटनी के साथ। ज़रूर ट्राई करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें।